नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज 28 दिसंबर है और आज की ताजा खबर हम लेकर आए हैं। कि कल यानी रविवार को हेमंत सोरेन जी का शपथ ग्रहण समारोह है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है, उसको उंगली टच कर दे, सब्सक्राइब हो जाएगा। और बगल में घंटी आती है, उस पे ऑल पे अगर आप उंगली टच कर दे तो ऑल वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। मैं बहुत कुछ दिखाने वाला हूं आपको, क्योंकि आप हमारे शुभचिंतक हैं और हम भी आपका ख्याल रखते हैं। कल मुरादाबादी मैदान यानी रांची में हेमंत सोरेन जी का शपथ ग्रहण होगा और कल से एक नए युग की शुरुआत होगी। कल एक ही मंच पे बहन मायावती और अखिलेश यादव जी दिखेंगे, पूरा विपक्ष दिखेगा और बहुजन समाज के जितने भी कद्दावर नाम हैं सब पहुंचने वाले हैं। यानी देश में बहुजन समाज की अब आवाज उठेगी और वह भी झारखंड से। मैं आपको बताऊं, हेमंत सोरेन जी ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, एक नई शुरुआत कर दी बहुत अच्छे तरीके से, और शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है, जिस पर सभी विपक्ष के नेता आएंगे। लोगों को आशाएं दिखने लग गई है कि शायद हेमंत सोरेन जी बहन मायावती को और अखिलेश यादव जी को एक मंच पर ला रहे हैं, हो सकता है एक जगह भी ला दे, हो सकता है जो बीच में कोई गैप होगा वो मिट भी सकता है, आपस में कुछ वार्तालाप होगा, कुछ संवाद होगा और बातचीत करके दूरियां मिट जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए ये ज्यादा जरूरी है। अब रही बात ये कि बिहारी सुल्तान चैनल अपना स्ट्रिंग ऑपरेशन जारी कर रखा है और बीएसपी नेताओं से जगह जगह फुटेज ले रही है। बहुत सारे स्ट्रिंग ऑपरेशन के दौरान यह पता लग रहा है कि कौन सा नेता कितना काम करता है और बहन मायावती जी को कितने धोखे में रखता है, ये सब कुछ निकल कर आ रहा है। बीएसपी के लिए घातक कौन कौन है सब आ गया हमारे पास और ये जारी है पूरे सबूत के साथ। क्योंकि राजनीतिक दल का मसला है इसलिए पब्लिकली हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन बहन मायावती जी के सामने ये पेश की जाएगी कि आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं वो आपको धोखे में रख रहे हैं। क्योंकि इस तरह की जो बातें सामने आई है, सोचिए जरा कि कोई अगर ब्राह्मण एससी एसटी बनता हो तो लोग कह सकता है कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए बना है, कुछ हो सकता है संवैधानिक लाभ लेने के लिए बना है, लेकिन कोई एससी एसटी मात्र 500 रुपये लेकर चंदन टीका लगाकर अगर जाए किसी सभा में, उसको आप क्या कहेंगे? इस तरह के स्ट्रिंग आ रहे हैं, इस तरह के मैसेज आ रहे हैं और यह बीएसपी के लिए ठीक नहीं है। समय रहते अगर बहन मायावती जी की आंखें खुल जाए तो बहुत अच्छा होगा, बहुजन समाज के लिए भी और बहुजन समाज पार्टी के लिए भी। रही बात ये कि झारखंड की जनता ने संदेश दे दिया है कि वर्तमान सरकार की गलत नीतियों से उसको हमने हटाया है। जनता ये भी कह रही है कि बहन मायावती जी ठीक है परंतु उनके इर्द गिर्द के रहने वाले ठीक नहीं है, उनको वो जल्दी से जल्दी हो सके तो बगल से हटा दें, क्योंकि वो आस्तीन में सांप बैठे हुए हैं, पार्टी के नाम पे आम जनता से लूटते हैं। इस तरह के भी मैसेज आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है, अगर झारखंड से ही सपा और बसपा की नजदीकियां बढ़ती है तो सबसे अच्छी बात है। रही बात ये कि कांग्रेस उस मंच पे होगा, लेकिन कांग्रेस हल्का होगा। कारण क्या है कि हेमंत सोरेन जी का दबदबा होगा वहां पर, जो है झारखंड विकास मोर्चा के सदस्य होंगे, राजद के सदस्य होंगे, इस तरह से बहुजन समाज का दबदबा रहेगा। कांग्रेस पार्टी 17 सीट निकालकर उसमें एक जान आई है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में, लेकिन ये कांग्रेस का शासन आप नहीं कह सकते, आप इसे जेएमएम का शासन कहेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी होंगे और लगता है कि हेमंत सोरेन जी सफल बना देंगे बहुजन समाज को आगे बढ़ाने में। मैं आपको बताऊं, दिल्ली की विधानसभा का चुनाव कभी भी होने वाला है और इसी बीच ये तमाम स्ट्रिंग में
बहन मायावती जी को समय रहते अगर दिखा दिया तो शायद वो अपना अगला कैंडिडेट सही चुन सके और सही फैसला ले सके। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।